मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौम कभी ये नहीं भूलेगी कि मुशर्रफ जैसा वर्स्ट डिक्टेटर जो था उसको लाने में नवाज शरीफ का बड़ा पूरा पूरा हाथ था। नवाज शरीफ मुशर्रफ, एक सेकेंड, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कभी नहीं बनी। उन्होंने जनरल करामत को, काकड़ को, शुजा जो भी नवाज थे वो आसिफ नवाज, और उसके बाद मुशर्रफ को जो कौम पे इम्पोज किया ये नवाज शरीफ ने किया, जिसके लिए कौम उनको कभी माफ नहीं करेगी। और उन्होंने ये समझा कि ये उर्दू स्पीकिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की अपनी हिस्ट्री सुनिए, तहरीक इस्तकलाल उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने जिया की रेजिम में, जियाउल हक की रेजिम के अंदर, जो सबसे बड़ा डिक्टेटर था। उसके बाद वो बने हैं जुनेजो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर पंजाब के। कौन सी वो बात कर रहे हैं, किस लोटे की बात कर रहे हैं आप? लोटा वो होता है, एक सेकेंड आप बात सुने, आप उससे बड़े लीडर नहीं, वो कर रहे ना वहाँ पे, आप बात यार, आपने डॉलर्स नहीं, मैं क्या करूँ भाई, वो सुन रहे ना बैठे आपने नारा नहीं लगाना भी किसी ने, प्लीज सुने, यार वो बैठे नहीं, मगर सब सुने, मैं बैठा हूँ जो आप बेटा, अगर नहीं सुन सकते तो हौसला पैदा करो, हम तो सुन, अभिषेक अली साहब ने बंदों को समझाया, बात हुई, चुप 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 यार, यार क्या कर, यार आप चुप कर जाना, महजब रहना, आपको औरत करने में जो करने में, ओ भाई एक मिनट नहीं भाई बैठ जाना, आप क्यों खड़े हो रहे भाई, यार उनको वो उठाना क्या मतलब है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे आप दोनों को बिठा के लोटा इस्तेमाल करेंगे तो फिर खराब होगा ना, इन्होंने इस्तेमाल किया लोटा, सॉरी सुधीर साहब, ये कागजी शेर है, इसमें हौसला नहीं है, आप बैठो, इन लोगों में कोई हौसला नहीं है, आप लोग आराम से बैठो, तहम्मुल करो आप लोग, हौसला गिरे, बैठे सर, बैठे जबाल साहब, बैठ जाए, मैं करा रहा हूँ, बैठ जाए सर, आप बैठ जाए, आप बैठ मैडम, आप कह दे जरा, आप ये इनको माइक दे दे, मैं उतर के आऊँ, इनको उनको माइक, मैं उतर के, और यार आप क्यों बोल